अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आफ्टर द वॉचिंग वीडियो यू शुड सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं आलू मेथी मटर गाजर की सब्ज़ी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लें, इसके अंदर ज़ीरा ऐड करें, और ज़ीरा ऐड करने के बाद ये मैंने अनियंस ऐड करी हैं जो कि पेस्ट बनाया हुआ है, ब्लेंड करी हुई हैं। इसके बाद ऐसे ही टोमेटोज़ को भी पेस्ट कर लिया था, बना लिया था, उसको ऐड कर दिया है। अनियन जो थी वो एक प्याली थी और टोमेटो जो थे वो एक प्याली और उससे थोड़ा ज़्यादा था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है, आपको शो भी करा दिया है। अब इसके साथ साथ जो है स्पाइसेस ऐड करते हैं, हल्दी और पिसी हुई मिर्च। ये पिसी हुई मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी और ऐड करी, क्योंकि सब्ज़ी जो है थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, भून लिया है थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं लहसुन अदरक जो था पेस्ट उसका वो ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने अब ऐड कर दिया है। अब इसे भून लेना है अच्छे तरीके से कि ऑयल जो है हमारा वो ऊपर आ जाए। अच्छा जी, ये आपको भुना हुआ नज़र आ रहा होगा। ऐसे भूनने के बाद मैंने इसके अंदर पोटैटोज ऐड करे हैं, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से टाइट हो जाए। इसके बाद जो है कैरेट्स ऐड करी हैं, इसको बीच से काट के दो कर ली थी, जैसे कि हाफ सर्कल बन गया था सेमी सर्कल। तो इसके बाद जो है मटर ऐड कर रही हूँ, इसके बाद इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है इन सारी वेजेस पे लग जाए। अब ये रहा मेथी, इसके बाद मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और फिर इसे सारी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हमने बाकी सब्जियों को मिक्स करा था। अच्छा जी, तो इसका मेथी और गाजर का जो है खुद का पानी होता है तो ये इसमें गल जाएगा। मैंने कवर कर दिया था, कवर करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था, और ये रहा कुछ ये ऐसा दिख रहा था जब इसका पानी रिलीज़ हुआ और ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया। इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था और साथ साथ मैं ये भी चेक कर रही थी कि ये कैरेट और पोटैटो जो थे ये गल गए हैं या कसर है अभी, लेकिन थोड़े से कैरेट में कसर थी तो मैंने फिर से कवर करा और स्टीम पे रख दिया। इसके बाद ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च ऐड करी, और ऐड करने के बाद जब ये भून गया तो इसमें लेमन जूस ऐड कर। हाँ जी, अब ये हो गया है रेडी टू ईट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।